वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन, वन मोर टाइम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील बिस्ट। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक द केवीएस कॉन्टेक्चुअल टीचर इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, आई ऑलरेडी वर्क विद अ डिफरेंट केवी इन द दिल्ली रीजन, लाइक केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन एंड केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट एंड केंद्रीय विद्यालय विकासपुरी। एंड बिसाइड दैट आई ऑल्सो अटैम्प्ट मेनी अदर स्कूल केवीएस कॉन्टेक्चर टीचर इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, आई नो द प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस टूडे आई एम गोइंग टू शूट दिस वीडियो एंड आई नो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। फ्रेंड्स गाइज, डेफिनेटली आपको ये जितनी भी मैं इसमें जानकारी दूंगा, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको केवीएस का जो इंटरव्यू अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी निकली हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, जिसके केवीएस के लिए जो पैनल रेडी हो रहा है पूरे साल के लिए, उसके लिए 28 मार्च को दिल्ली जोन में इंटरव्यू है। और आपको उन इंटरव्यू में सबसे पहली, अगर आपको उसमें टीचर बनना है तो सबसे पहली शर्त क्या है, सबसे पहले ये बात है कि यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू अटेंड द इंटरव्यू, यू मस्ट गो देयर। तो सबसे पहली बात तो ये रही। सेकंड थिंग, आपको फॉर्म जो डाउनलोड करोगे आप वेबसाइट से या किसी अदर लिंक से, उस फॉर्म को आपको नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे, जितनी भी अच्छे हो सके, जितना भी अच्छे से आप लिख सको, उस हैंडराइटिंग में, अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिखना है। और उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बार बार उसको राइटिंग में गलती नहीं करनी है, स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो भी आपकी बायोडाटा है, जो भी नेम है, क्वालिफिकेशन है आपका, प्रीवियस एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट स्कूल। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल फोटो कॉपीज। यस, दिस इज़ अ मस्ट, दिस इज़ वेरी नेसेसरी पॉइंट कि आपको जब भी आपका इंटरव्यू होगा जिस डेट को, 28 को है वैसे दिल्ली में, तो आपको अपने साथ अपने फोटो कॉपी का सेट जरूर लेके जाना है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस ओरिजिनल और अपनी एक फोटो जो आपको पेश करनी है फॉर्म पर, जो फॉर्म आपको फिल करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बी ऑन टाइम, यू हैव टू गो देयर ऑन द टाइम। आपको टाइम पे पहुंचना है, रीच ऑन द टाइम, रीच ऑन द अर्ली मॉर्निंग, जितना हो सके आप 8 बजे स्कूल में पहुंच जाइए, क्योंकि 8:30 बजे के बाद तो प्रोसेस शुरू है। तो आप जितना अर्ली मॉर्निंग जाओगे आपका, उतना जल्दी आपका नंबर आएगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो स्टार्टिंग में, जो जिनका लिया जाता है उनका अच्छे से लेते हैं वो इंटरव्यू, और उनके चांस भी ज़्यादा होते हैं। बाद में तो वो क्या करते हैं, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इंटरव्यू पैनल जल्दीबाजी करता है और इतने अच्छे से ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में जाते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आपको अच्छे से पूछेंगे, ठीक है, और इससे डेफिनेटली एक गुड इम्पैक्ट आएगा आपके रिजल्ट पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी पॉजिटिव। या दिस इज़ अ वेरी वेरी नेसेसरी थिंग, दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि हमको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू डेट। वैसे तो हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, बट इंटरव्यू डेट को या इंटरव्यू के टाइम पे जब भी आप जाते हो, हमेशा अपने को पॉजिटिव रखें, किसी से फाइट करें उन दिनों में, फ़ाइट ना करें। होता है ना हमारे घर में किसी से बोलचाल बंद रहती है या फ्रेंड से, तो इन सब चीज़ों से दूर अपने को एक फोकस करें, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन करके फ्री माइंड होके आपको जाना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है, स्माइल रखनी है अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस रखना है। अगली बात है नेक्स्ट थिंग कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। डोंट कंपेयर, डोंट जज योर सेल्फ विद अनदर पीपल, किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो आपको लगता है कि यार ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, उनके साथ आपको अपने को जज नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो उनके लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि कभी भी अपने को कंपेयर ना करें। जब मैं भी फर्स्ट टाइम मैंने भी इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को लगता था इन लोगों को बहुत सारा आता होगा, जो वहाँ पे टीचर हैं वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो थोड़ा बहुत आता है जो भी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जितना भी आता है वो सफिशियंट है, और आप इसको अपनी मेहनत करके इसको बढ़ा सकते हो। तो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और आपको जितना भी आता है उस ज्ञान के आधार पर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है बी फुली रेडी विद एनसीईआरटी बुक्स एनसीईआरटी सिलेबस। या आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि आपको जो एनसीईआरटी का सिलेबस है सिक्स क्लास से लेकर और टेंथ क्लास तक का इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस इन सब की आपको अच्छे से चैप्टर रेडी करने हैं। और कम से कम आपको बेसिक नॉलेज अगर आपको डीप नॉलेज किसी टॉपिक की नहीं है तो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे वो पूछ दें व्हाट वाज अ रशियन रिवॉल्यूशन, तो आप कम से कम एटलीस्ट अगर रशियन रिवॉल्यूशन की मेन मेन चीज़ें नहीं बता पाए आप तो ये बता पाओ कि आप 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन उसके मेन लीडर थे बोल्शेविक ग्रुप के। इसके अलावा बता पाओ कि उसके कॉज क्या हैं, तीन चार कॉज बता पाओ। बहुत डीप में अगर आपको नॉलेज ना हो तो आपको कम से कम उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए हर टॉपिक का, ताकि आप वहाँ पे कुछ बोल सको एटलीस्ट, क्योंकि आप लोगों का ये फर्स्ट टाइम है। यस, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि आपको बी काम एंड बी पॉजिटिव इन स्कूल, इन द जहाँ पे भी आपका क्या होगा इंटरव्यू होगा, जिस भी स्कूल में जिस भी केंद्रीय विद्यालय में, आपको अपने को शांत रखना है, मन को शांत रखना है, ठीक है। और उस दिन आपको क्या करना है, शांत तरीके से जाना है, अपना इंटरव्यू वहाँ पे देना है। और जब भी हम अपने को शांत रखते हैं ना तो एक पॉजिटिविटी आती है, जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई है वो उन चीज़ों को हम अच्छे से किसी दूसरे के सामने क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, अपने ऊपर क्या रखना है, अपने को शांत रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ अ की ऑफ सक्सेस इन द लाइफ, ठीक है। ये धीरे धीरे करके जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ये हमेशा आपको आगे की तरफ पुश करता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव इन द लाइफ, ठीक है, ऑलवेज कीप योर एटीट्यूड वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट थिंग है पोलाइट स्पीकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, जो आपका बोलने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम बहुत ही लो पिच में बोल रहे हो, आपके साउंड जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, या बहुत ज़्यादा नर्वस तो हर कोई फील करता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें अपने को बेस्ट तरीके से वहाँ पे बोलने की, ठीक है। जो आपकी स्पीकिंग है बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलना और बहुत ही ज़्यादा स्लो भी नहीं बनना बोलना, ठीक है, पोलाइट रहना आपको एकदम एकदम पोलाइट रहना आपको। कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड डोंट कंपेयर डोंट जज योर सेल्फ विद अनदर पीपल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपके इकोनॉमिक्स से, नाइन्थ और टेंथ के इकोनॉमिक्स से TGT SST में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।